नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा तिरुवनंतपुरम में। और दोस्तों ये मुकाबला शुरू होगा भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे। और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम और वेस्ट इंडीज की टीम कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 उतारने वाली है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिस तरह से दोस्तों पहला T20 मुकाबला काफी रोमांचक रहा था, उम्मीद करते हैं कि दूसरा मुकाबला भी उसी तरह का रोमांचक हो और इस मुकाबले में दोनों टीमें खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है। तो दोस्तों प्लेइंग 11 जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ और भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर जहां भारतीय टीम सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी, वहीं पर वेस्ट इंडीज़ इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम। वेस्ट इंडीज़ कुछ बदलाव अपनी टीम में कर सकती है। ओपनिंग में इनकी तरफ से उतरेंगे एवन लुइस और लेडन सिमंस, दोनों शानदार खिलाड़ी हैं। लुइस शानदार फॉर्म दिखाई थी और सिमंस से भी उम्मीद है वो यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ब्रेंडन किंग, सिमरन हेटमायर, निकोलस पूरन और कायरन पोलार्ड, ये खतरनाक बल्लेबाज चार जो मिडिल ऑर्डर को मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद लोअर ऑर्डर में जैसन होल्डर, विलियम्स और गेंदबाजी में किमो पॉल, शेल्डन कोटरल और पियरे, ये वो टीम है जो उतर सकती है इस मुकाबले में और भारतीय टीम को यहाँ पर टक्कर दे सकती है इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के चलते और सीरीज को एक एक से बराबर करने की उम्मीद से उतरेगी वेस्ट इंडीज। वहीं पर भारतीय टीम की बात करें दोस्तों तो भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और वो है मोहम्मद शमी को यहाँ पर टीम में मौका मिल सकता है। और दोस्तों ये मौका मिलेगा ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर की जगह पर मोहम्मद शमी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर दोस्तों पूरी टीम इंडिया की बात करें तो ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं भारत की तरफ से रोहित शर्मा और लोकेश राहुल। लोकेश राहुल ने शानदार शतक जमाया था लेकिन रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करेंगे इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर है विराट कोहली, 4 पर सुरेश अय्यर, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर शिवम दुबे और 7 पर रविंद्र जडेजा। विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन किया था दोस्तों। इसके अलावा सुरेश अय्यर जल्दी आउट हुए लेकिन ऋषभ पंत ने अपने बल्ले का जलवा दिखाने की पूरी कोशिश की थी। तो इन तीनों से अच्छी बल्लेबाजी की एक बार फिर उम्मीद रहेगी और साथ ही दोस्तों शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा जिनसे एक शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है इस मुकाबले में। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर उतरेंगे दीपक चहर, 9 पर युजवेंद्र चहल, 10 पर मोहम्मद शमी और 11वें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों युजी चहल ने अच्छी गेंदबाजी की थी, दीपक हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए लेकिन इस मुकाबले में अच्छा करेंगे और साथ ही दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दोस्तों भारतीय टीम इस मुकाबले को जरूर जीतना चाहेगी और यहाँ पर जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहेगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और साथ ही दोस्तों कौन सी टीम की रसीद कटेगी इस मुकाबले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।